हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं ई बाइक मोटर किट के बारे में। तो आज हमारे पास ई बाइक का पूरा किट है, तो इसी को अनबॉक्स करने वाले हैं। इसका जो लोकल मार्केट में प्राइस है वो है 5000 से लेकर के 8000 के अंडर में, और इसे मैंने बाय किया है सिर्फ और सिर्फ 950 रुपीज में। 950 रुपीज में मैंने इस किट को कैसे बाय किया है देखने के लिए आप पूरे वीडियो को देखें लास्ट तक, स्किप नहीं करने का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, हमने किट के सारे पार्ट्स को बाहर निकाल लिया है। अब हम देखते हैं एक एक करके कि हमें इस किट में क्या क्या मिलता है और किसे हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और किस तरह यूज़ करेंगे। इस किट में हमें सबसे पहले देखने को मिल जाता है एक ई बाइक मोटर, जो कि डीसी गियर्ड मोटर है, और ये जो हमारे पास मोटर है वो 24 वोल्ट का मोटर है, और इसी के साथ में यहाँ पे गियर्ड मिलता है जो कि टॉर्क को काफ़ी बढ़ा देता है। इस मोटर का जो RPM है वो 3000 RPM पे ये रोटेट करता है पर मिनट, और इस मोटर का जो गियर पिनियन है वो रोटेट करता है 380 RPM पे, मतलब है कि एक मिनट में 380 बार ये रोटेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छा आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। इससे आप ई बाइक साइकिल्स में, ई बाइक में यूज़ कर सकते हो, इसी के साथ में हॉवरबोर्ड में यूज़ कर सकते हो, स्कूटर पे यूज़ कर सकते हो, तो अलग अलग ई बाइक में इसको यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पे ये डीसी मोटर, तो यहाँ पे दो वायर्स मिल जाते हैं, एक रेड एक ब्लैक, जो कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का है, जहाँ पे बैटरी आपका कनेक्ट होगा। सेकेंड हमें मिलता है एक कंट्रोलर, जो कि 24 वोल्ट का है और 250 वाट का है, और ये कंट्रोल करेगा हमारे मोटर को। और इसी के साथ में यहाँ पे हमें काफ़ी सारे वायर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों के लिए वायर्स यूज़ में आएंगे। जैसे कि आप जो बैटरी कनेक्ट करोगे तो उस बैटरी को कनेक्ट इसी पे करना होगा, आपको मोटर को इसी पे कनेक्ट करना होगा, ब्रेक लाइट, हेडलाइट, हॉर्न, इसके साथ में इंडिकेटर, पावर, लॉक का, तो सारा ये अलग अलग वायर्स है जो कि अलग अलग डिवाइसेस पे कनेक्ट होगा। थर्ड हमारे को मिल जाता है एक मोटर होल्डर, जो कि मेटल का बना हुआ है, यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है, और ये मोटर होल्डर में आपका मोटर कनेक्ट होगा। मोटर यहाँ पे आप फिक्स करोगे स्क्रू के हेल्प से, और ये जो है वो आपका बाइसाइकिल में फिक्स हो जाएगा। फोर्थ हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पे एक रॉड दिया गया है, जिसमें कि आपका डबल फेयरवेल लगेगा। फेयरवेल वो होता है जो आपका चेन जिसके ऊपर फिक्स होता है, ये पिछला व्हील्स होता है जिसमें कि आपका स्पोक लगा रहता है, रिम होता है उसमें लगा रहता है, तो यहाँ पे डबल फेयरवेल होगा जहाँ पे आपका डबल चेन जो घूमता है वो यहाँ पे लगेगा। तो डबल फेयरवेल जो होता है वो उसमें लगने का, साइकिल में लगने का सिस्टम नहीं होता है, इसके लिए अलग से रॉड दिया है। यहाँ पे आप डबल फेयरवेल को अटैच कर पाओगे और आपका जो साइकिल का रिम रहेगा वो इसी पे अटैच होगा। फिफ्थ है बीबी कैप, और ये हमारा डुअल फेयरवेल को लगाने में हेल्प करता है। सिक्स्थ हमें मिलता है एक फेयरवेल, जो कि बीबी कप में कनेक्ट होगा। सेवन्थ हमें मिल जाता है एक चेन, जो कि मोटर और फेयरवेल को कनेक्ट करेगा। एट्थ हमें मिलता है एक लॉक, जो कि चाबी वाला लॉक है, ठीक है, ये ऑन ऑफ आपको करने में काम आएगा, थोड़ा फ्री है, नहीं है जाम है पर हो जाएगा। ये लॉक आपका कनेक्ट होगा कंट्रोलर में। 9 नंबर में हमें मिलता है दो ब्रेक्स, और ये ब्रेक कनेक्ट होगा आपके कंट्रोलर में, और ये ब्रेक का जो काम होता है वो होता है कि आप जब एक्सलेटर ले रहे हो, मीन्स थ्रॉटल आप जब ले रहे हो, आपका मोटर रोटेट कर रहा है, बट आप अगर ब्रेक मारते हो थ्रॉटल लेते हुए में, तो भी आपका मोटर का जो पावर है वो कट कर देगा, और ब्रेक लाइट को ऑन ऑफ करने में भी ये हेल्प करता है। गाइस, 10वें नंबर पे हमें मिलता है एक थ्रॉटल, जो कि आपका मोटर के स्पीड को कम और ज़्यादा करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये बिल्कुल रियल थ्रॉटल की तरह, जिस तरीके से बाइक में आपको मिल जाता है देखने को, और इसका जो प्लग है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि आपका कंट्रोलर पे कनेक्ट होगा। ये थ्रॉटल आपका राइट साइड में लगेगा, और लेफ्ट साइड के लिए यहाँ पे एक अलग से दिया गया है, ये डायरेक्ट आपका पाइप में जाकर के अटैच हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। 11वें नंबर पे मिल जाता है आपको एक चार्जर जैक, जो कि आपके कंट्रोलर पे कनेक्ट होगा बैटरी को चार्ज करने के लिए। और ये रहा हमारा 12वां पार्ट्स, ठीक है, और ये जो है वो हमारा इंडिकेटर, एक तरीके से आपका इंडिकेटर यहाँ पे शो करता है, यहाँ पे छोटा छोटा LED लाइट्स दिया गया है, इंडिकेटर, ब्रेक, और यहाँ पे सामने में हेडलाइट दिया गया है, जो कि 3 LEDs यहाँ पे लगे हुए हैं। साथ ही साथ नीचे में एक स्विच दिया गया है ऑन ऑफ के लिए, ये हैंडल बार पे यहाँ पे स्टैंड दिया गया है, जो कि हैंडल पे आसानी से आप इसको अटैच कर पाओगे। इसी के साथ में एक स्विच दिया गया है, जब हॉर्न आप इस पे कनेक्ट करोगे तो स्विच के थ्रू आप हॉर्न दे सकते हो, और यहाँ पे दो वायर दिया गया है जो कि आपके कंट्रोलर पे जाके कनेक्ट होगा। इस किट में हमें लास्टली देखने को मिल जाता है यहाँ पे मोटर का जो होल्डर था उसे साइकिल में अटैच करने के लिए यहाँ पे स्क्रूज दिया गया है, और यहाँ पे क्लिप्स दिया गया है। इसी के साथ में बाकी जो एसेसरीज था उसको कंट्रोलर से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ जैक दिया गया है, जिसे आप यूज़ में ले सकते हो।
तो गाइज आपने पूरा किट्स का सारा पार्ट्स को देख लिया है और इसमें बहुत सारा ऐसा पार्ट्स था जो कि काफ़ी महंगा महंगा है, बट मैंने इसे इतने कम कीमतों में कैसे लिया। तो आपको पता होगा कि मेरा YouTube चैनल जो है उसमें मैं अपने ड्रोन क्वाडकॉप्टर का, हेक्साकॉप्टर, ट्राईकॉप्टर, अलग अलग कॉप्टर्स का वीडियो डालता रहता हूँ। तो इसी के लिए मैंने अपने Amazon वेबसाइट से एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था जो कि 250 फ्रेम था और वो मैं अपने क्वाडकॉप्टर के लिए ऑर्डर किया था और वो मेरे को डिलीवर्ड हुआ। बस उसका जो थोड़ा सा फ्रेम था वो थोड़ा डिफेक्टिव था, थोड़ा टूटा हुआ था, तो इसके लिए मैंने उसे रिप्लेस कराया था। तो रिप्लेस में जो मेरा प्रोडक्ट आया वो फ्रेम के जगह पे ये प्रोडक्ट आ गया मेरे को, और मेरे को पता नहीं ये प्रोडक्ट कैसे आ गया। शायद हो सकता है कि जो सेलर था उसका जो वर्कर होगा वो डालने में मिस्टेक किया होगा, या जो लेबल होता है स्टिकर जो ऊपर में आता है वो स्टिकर चिपकाने में मिस्टेक किया होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये मेरे जो 250 क्वाडकॉप्टर का फ्रेम था उसके जगह पे ये मेरे को मिला है। इसका मतलब है कि मेरा जो 250 का क्वाडकॉप्टर का जो फ्रेम का प्राइस था वो 950 रुपीज़ था और उस प्राइस पे मेरे को ये मिला है, क्योंकि उस फ्रेम के बदले में मुझे ये मिला है। तो इसी हिसाब से आप समझ सकते हो कि मेरा फ्रेम का रेट है मतलब 950 रुपये में, 5000 से 8000 के बीच में इसका प्राइस है और ये किट मेरे को मिला। तो मैं काफ़ी खुश हूँ कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा, समझिए, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अमेज़ॉन पे बाई कर रहा हूँ, लगभग 3 साल से मैं अमेज़ॉन का चला रहा हूँ और मेरा जितना भी यूट्यूब का वीडियोज़ आता है उसमें मैं लिंक भी अमेज़ॉन ही का देता हूँ, अमेज़ॉन को ही बताता हूँ, क्योंकि अमेज़ॉन में कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोज़ को बनाया है जिसमें कि मैंने बहुत सारे पार्ट्स को फ्री में बाई किया है, तो उसका भी वीडियो आप देख सकते हो, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक करो, देखो वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। आने वाले टाइम पे मैं इसी तरह का कुछ ऐसा वीडियोस लाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको फ्री में कुछ पार्ट्स मिल सके, यूजफुल हो। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।